बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करेंगे शुरू। आज हम बनाएंगे दानेदार सा सूजी का हलवा, माशाल्लाह जो सबको पसंद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तो ये हलवा बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, चूल्हा जला लिया, कढ़ाई के ऊपर रख लिया। एक पाव हमारे पास सूजी है और एक पाई मैंने जो है ना इसके अंदर कुकिंग ऑयल वो ऐड किया। कुकिंग ऑयल जो है ना गर्म हो जाता है, फिर इसके अंदर जो है ना सूजी को ऐड कर लेंगे। सूजी को तब तक भुनेंगे जब तक सूजी हमारी कलर चेंज नहीं कर जाती। जो है ना कुकिंग ऑयल वो हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर जो है ना सूजी ऐड कर लेंगे। सूजी एक पाव है, कुकिंग ऑयल भी एक पाव है, तो ये इसके अंदर सूजी ऐड कर रहे हैं। अभी सूजी को इसके अंदर जो है ना भून लेंगे, अच्छे तरीके से भूनना। जब तक हमारी सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक भूनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह सूजी जो है ना वो घी के अंदर भून रहे हैं। चम्मच को जो है ना हल्का हल्का चलाते रहना, तो ऐसे ही जो है ना हल्का हल्का इसके अंदर चम्मच को चलाते रहना, चम्मच आपका रुकना नहीं चाहिए। ये माशाल्लाह हमारे जो भाई हैं ये कराची में काम करते हैं, तो ये पंजाब में आए हुए थे, तो मैंने इनको बोला कि हमें जो है ना हलवा पूड़ी बनाना सिखाओ। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग बना रहे हैं हलवा, तो बाद में बनाएंगे पूड़ियाँ। तो पूड़ी का जो है ना वो रेसिपी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो जो हमारे भाई कराची में काम करते हैं कि वो पूड़ी कैसे बनाते हैं। तो माशाल्लाह इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत प्यारा होता है। हलवा तो सब लोग बना लेते हैं, मैं भी बना लेता हूँ। जो काम करते हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उनके हाथ का टेस्ट भी माशाल्लाह ज़्यादा होता है। तो माशाल्लाह आप लोगों को ये सिखाएंगे, जैसे हम लोग बनाएंगे वैसे ही इसको बनाना है। इसको कोई चीज़ इसकी स्किप मत करना। अभी जो है ना सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब सूजी इस स्टेज पे पहुंच जाए तो थोड़ा सा पानी लेके इसको ऐसे छींटे मार लेनी है थोड़ा सा। ये देखें माशाल्लाह जो है ना हमारी सूजी वो लाल हो चुकी है। अभी इसके अंदर जो है ना चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जो है ना वो एक किलो है, आधा किलो चीनी है सॉरी, और ये इसके अंदर जो है ना एक किलो पानी ऐड कर लेंगे। पानी और चीनी इकट्ठी ऐड करनी है, ऐड करके इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो इस सूजी है जो घी के अंदर भूननी है उसको जो है ना 20 मिनट लगे हैं, तो आप लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से भून लें। जो है इसके अंदर पानी भी डाल लिया, अभी इसके अंदर जो है ना ऐड कर लेंगे ये एक पाव दूध है, ये ऐड करेंगे। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन्हें अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे और जो है ना इसको अच्छे तरीके से जोश आने देंगे। तो इसको जो है ना मीडियम पे बनाना है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। जब ज़्यादा आंच तेज कर लेंगे तो हमारी जो सूजी है वो जल जाएगी। ये दो मैंने एग ले लिए हैं, इसको अच्छे तरीके के साथ फेंट लेंगे। ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इन्हें अच्छे तरीके से फेंट लें। ये जो है ना इसके अंदर अभी एग ऐड कर लेंगे, ये दो मैंने एग लिए हैं, ये ऐसे डाल के इसको अच्छे तरीके से फौरी तौर पे मिक्स कर लेना है इसके अंदर। ये इसके अंदर जो है ना मैं जर्दा रंग डाल रहा हूँ, आधा चम्मच जो है ना मैं इसके अंदर जर्दा रंग वो डाल लूंगा। जर्दा रंग डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये जो ना इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ये किशमिश है, ये बादाम है और ये सौंगी है। ये आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कम कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशमिश जो है ना आप लोगों ने वाइल्ड लेनी है और इसे मिक्स कर लेंगे। जब इस स्टेज पे पहुंच जाए तो बिल्कुल आंच जो है ना वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, ज़्यादा आँच नहीं करनी क्योंकि ये नीचे लग जाएगा। माशाल्लाह दानेदार सा हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी जो है ना चूल्हे को बंद करेंगे तो इसे नीचे उतारेंगे। दानेदार हलवा पैदा करें, जैसे हम लोगों ने बनाया वैसे ही बनाएं, दानेदार बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो माशाल्लाह इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत प्यारा होता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह हलवा जो है ना हमारा वो बिल्कुल रेडी हो चुका है।
ये देखें कितना प्यारा जो है ना ये बन चुका है दानेदार। अभी जो है इसे नीचे उतार लेते हैं और आपको डिश आउट करके बताते हैं ये कैसा बना। ये अभी आपको डिश आउट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है ये दानेदार सा हलवा। तो ये देखें माशाल्लाह डिश आउट जो है ना वो मैंने कर लिया। देखे कितना प्यारा बन गया। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए इस दुनिया में भी और आखरत में भी। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय फ्रेंड।